नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ तरह की महिलाओं के बारे में बताया गया है जिनसे कभी भी संबंध नहीं रखना चाहिए, वरना इंसान पाप या महापाप का भागी बनता है। तो जानते हैं वे महिलाएं कौन हैं? तो नंबर एक पर हैं दोस्तों, अविवाहित स्त्री या कहें तो कुंवारी महिला। दोस्तों, एक पुरुष को बिना एक स्त्री से विवाह किए उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, फिर बेशक ये आपसी समझौते से हो या ज़बरदस्ती। अविवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप है। यदि कोई पुरुष ऐसा करे तो उसे उसके साथ विवाह भी करना चाहिए। नंबर दो पर है दोस्तों, विधवा स्त्री। दोस्तों, किसी भी पुरुष को किसी भी हालत में ऐसी किसी भी महिला से संबंध नहीं बनाना चाहिए जिसका पति मर गया हो, जब तक कि उससे पुनर्विवाह ना कर लिया जाए। विधवा के साथ यौन संबंध बनाने को शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। दोस्तों, नंबर तीन पर है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रही स्त्री। कभी भूलकर भी ऐसी स्त्री जो कठोर तपस्या में लीन हो या पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हो, उसे उसके मार्ग से हटाना नहीं चाहिए। ऐसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने से ना केवल उसकी तपस्या भंग होती है, साथ ही पुरुष के सिर पर भी महापाप का भार आ जाता है। नंबर चार पर है, दूसरों की पत्नी। दूसरों की पत्नी पर बुरी नज़र डालना या उसके बारे में गलत सोचना भी महापाप है। पांचवें नंबर पर है, खुद के परिवार की स्त्री। अपने ही परिवार की किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना शास्त्रों की दृष्टि से बेहद गलत है। इन स्त्रियों के साथ खून का रिश्ता होता है, इसलिए इनके साथ इस तरह का संबंध बनाना महापाप कहलाता है। नंबर छः पर है दोस्तों, वेश्या। प्राचीन समय की बात हो या फिर आज के युग की, वेश्याओं को कभी सही नहीं समझा गया। शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्त्री जो धन के लिए अपना मान सम्मान त्याग कर शरीर बेचने को तैयार हो जाए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना महापाप है। नंबर सात पर है, नशे में डूबी स्त्री या बेहोश स्त्री। कोई भी ऐसी स्त्री जो अपने होश में ना हो, उसका फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि यह एक अक्षम्य पाप है, इससे मनुष्य को बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। नंबर आठ पर है, खुद से उम्र में बड़ी स्त्री। खुद से उम्र में बड़ी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना शास्त्रों की राय में गलत है। एक पुरुष को कभी भी ऐसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करने का पाप नहीं करना चाहिए। नंबर नौ पर है, पत्नी की माँ अर्थात सास। किसी भी पुरुष को किसी भी परिस्थिति में अपनी सास के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सास भी अपनी माँ के समान होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसका मतलब वह अपनी माँ के साथ कर रहा है, जो दुनिया के हर पाप से बढ़कर होता है। नंबर दस पर है, अपनी ही माता की बहन अर्थात मासी। मासी यानी माँ के जैसी। किसी भी पुरुष को अपनी माँ की बहन यानी अपनी मौसी के साथ किसी भी परिस्थिति में यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में इसे भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। मौसी भी माँ के समान ही होती है। नंबर 11 पर है, मामा की पत्नी अर्थात मामी। यह स्त्री भी माँ का दर्जा पाने लायक ही होती है। इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना या फिर इसे बुरी नज़र से देखना भी महापाप है। नंबर 12 पर है, चाचा की पत्नी अर्थात चाची। एक पुरुष को अपनी चाची के ऊपर भी बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उनके साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह भी एक अक्षम्य पाप है। नंबर 13 पर है, गर्भवती स्त्री। जो स्त्री एक रूह को जन्म देने वाली है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला इंसान मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। स्वयं उसके पति को भी इस दौरान अपनी पत्नी के करीब नहीं जाना चाहिए। नंबर 14 पर है, स्वयं की बहन। एक पुरुष को किसी भी सूरत में
अपनी स्वयं की बहन या चचेरी बहनों के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में यह बहुत बड़ा पाप कहा गया है। नंबर 15 पर है अनजान स्त्री। एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए और उसे ही अपने करीब आने का हक प्रदान करना चाहिए। किसी अनजान के करीब जाना या स्वयं उसे ही ऐसा करने की अनुमति देना शास्त्रों की दृष्टि से गलत है। नंबर 16 पर है दोषपूर्ण स्त्री। एक ऐसी महिला जो आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई हो उसके साथ पुरुष को यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कार्यों को करने वाले मनुष्य का इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ता है। ऐसे पापियों को मिलने वाली सजाओं का वर्णन कई पुराणों और स्मृतियों में मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ तरह की महिलाएं जिनके साथ पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए और ना ही इन महिलाओं के बारे में गलत सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।